हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुनील। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इंडेक्स की एनालिसिस की, तो बिग डेज में हम कंबाइन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल रहता है वो नेक्स्ट इंट्राडे का रहता है। लेकिन अगर बात की जाए वीक एंड एनालिसिस की, तो उसमें हमारे साथ पूरे वीक के साथ साथ इंट्राडे भी समझना रहता है। तो इसलिए हम दोनों इंडेक्स की यहाँ पे सेपरेट एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो निफ्टी की है, नेक्स्ट डे आपको बैंक निफ्टी की भी वीडियो डिलीवर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम चार्ट को रीड करते हैं, किस तरीके से प्रीवियस हिस्ट्री बार बार रिपीट की जा सकती है। तो मंथली क्लोजिंग भी मिल गई है, तो मंथली कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको कुछ एडवांस पॉइंट भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इस वजह से मेरे पास एसेसरीज नहीं है, तो मैं समझाने की आपको लैपटॉप से ही कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया है। मैं आपको कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मंथली चार्ट पे एक्चुअल में मैं बार बार देख क्या रहा हूँ। देखेंगे तो मंथली चार्ट पे यहाँ देखेंगे तो पर्टिकुलर इस जगह पे कंटिन्यू तीन रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हमें फाइनल जो कैंडल मिली है, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल हमेशा अनडिसीजन को बताती है कि यहाँ पे बायर और सेलर जो हैं दोनों बराबर हैं, और बायर और सेलर में डाउन साइड से बायर एक्टिव है, अपर साइड से सेलर एक्टिव है, और दोनों के जो प्रेशर है वो एज एक्चुअल बराबर है। तो ये इंडिकेशन हमें डोजी कैंडल से मिलता है। अब चलिए देखेंगे, और मैं कुछ एडवांस पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू तीन कैंडल बनने के बाद, मंथली चार्ट पे निफ्टी में तीन कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनती है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि कुछ भी हो, देखो मैं टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ, तो मैं टेक्निकल पे ही बात करता हूँ। मैं चार्ट पे ही सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं आऊँ और वीडियो में ये चीजें बताते चला जाऊँ कि यहाँ से आपको बाय करना है, यहाँ से आपको सेल करना है। इस तरीके से आप एक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडर आप टेक्निकल से बनेंगे। आपकी परफेक्ट एंट्री ही बताती है कि आप अपने ट्रेड में कब तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखेंगे तो तीन कंटिन्यू रेड कैंडल यहाँ बनने के बाद एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिली है। उसके प्रीवियस डाटा में हम चलते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू तीन कैंडले बनने के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा अपसाइड में मूव देखने को मिला। प्रीवियस हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन कैंडल, ये कोरोना का है टाइम पीरियड का, कि तीन कैंडल कंटिन्यू बनने के बाद यहां से आपको देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। चलिए और कुछ बैक डाटा देख लेते हैं, तब चीजें आपको और क्लियर होंगी। सॉरी, तो और कुछ बैक डाटा देखते हैं तो फिर चीजें और यहां पे क्लियर होने वाली हैं। ये मुझे चलाना नहीं आता है, मैं पेनटाइप यूज करता हूं, तो इस वजह से थोड़ी सी यहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, तो चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तब यहां पे मैं हम थोड़ा सा और बैक चलते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। मैं देखता हूं कि यहां पे देखिए, मैं यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे भी तीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तीन कैंडल कंटिन्यू बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको निफ्टी में इजिली देखने को मिल रही है। अब और थोड़ा सा इसको हम बैक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ये सारी चीजें बार बार हमें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तीन कैंडल ऑलमोस्ट बनने के बाद हमें नीचे से प्रेशर देखने को मिला है, तो ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप की कैंडल है। उसके बाद देखेंगे कि कंटिन्यू अपर साइड में एक मोमेंटम। फिर से यहाँ पे देखेंगे कि तीन से चार कैंडल, मैक्सिमम चार लेते हैं, लेकिन तीन कैंडल में ही आपको एक मूव देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 2013 का है, तो यहाँ पे भी अच्छा रन हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल बताने का करने का क्या मतलब है कि हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती। तो यहाँ से भी हमें इस मंथ में अप्रैल मंथ लगा है, इस मंथ में मुझे क्या दिख रहा है कि एक बुलिशनेस साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में। अब चलिए बैंक इसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को चार्ट को स्विच करते हैं, तो एक क्लियर हमें मोमेंटम अपर साइड में देखने को मिल सकता है। अगर आप और टेक्निकल समझते हो तो यहाँ पे देखेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे एक बार निफ्टी जो है यहाँ पे यूटर्न लिया है,
तीसरे उठन पे अगर आप एक लाइन यहाँ पे इसको इसके लो को लो पॉइंट पे ले जाएंगे तो 16,800 के लेवल से निफ्टी ऑलरेडी एक बार बाउंस किया था, उसी लेवल से दोबारा भी बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कैंडल स्टिक से बात करेंगे तो आपको मैंने लॉजिक बताया, टेक्निकल से बात करेंगे तो यहाँ से देखिए एक बार यू टर्न लिया है, ऊपर से यू टर्न लिया है, तो ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए क्लियर। हमें पता है कि 18,000 हाई जो पॉइंट है 18,887, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में यहाँ से डाउन साइड में 16,747 से यहाँ यू टर्न लिया, तो हमारे लिए सपोर्ट है। ये टेक्निकल हो गया। चलिए अब इसको और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं। देखिए वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जितना ज्यादा आप लर्निंग पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट धीरे धीरे मार्केट में मिलने लगेंगे। अब इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सिनारियो वही है कि तीन कंटिन्यू रेड कैंडल बनने के बाद एक अच्छी यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। और प्रीवियस कुछ डाटा मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे कि एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। मैं बार बार आपको बताता हूँ, प्राइस कभी भी इस तरीके की फॉर्मेशन में चलता है, लो लगाता है फिर हाई लगाता है फिर लो लगाता है और फिर से एक हाई लगाता है फिर लो लगाता है। अगर उसको रिवर्स होना रहता है तो प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है, और प्रीवियस अपने हाई को जब भी ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक जो डाउन ट्रेंड है वो इनवैलिड होके अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई थी। यहां पे देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में निफ्टी काफी दिनों से चल रहा था, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था, उसी हाई के पास से यहाँ पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट पे उसी हाई की जगह से सपोर्ट लिया था और निफ्टी ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था, जहां से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा। और बैंक निफ्टी आपने वॉच किया होगा तो बैंक निफ्टी का मूव जो है बहुत ज्यादा चौपी था, लेकिन निफ्टी में ऑप्शन बायर का दिन था, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा फियर दे रहा था, तो वहां पे भी बहुत सेलेक्टिव रह के चीजों को प्लान करना चाहिए। तो अब चलिए अब मैं इसको आपको और दिखाता हूं तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी थोड़ा सा अब यहां पे चीजें मैं आपको और दिखाता हूं तो आपको अभी चीजें और ज्यादा क्लियर यहां पे होने वाली है। इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब उसी जगह से पर्टिकुलर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो यहाँ पे हमें एक चीज और दिख रहा है। यहाँ पे जहाँ पे प्राइस अभी यू टर्न लिया है, उस यू टर्न पे टारगेट हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी जा कहाँ तक सकता है वीकली चार्ट पे, तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगी। हाँ एक चीज है कि यहाँ पे निफ्टी बॉटम फाइंड कर चुका है, बस हमें अपसाइड की रैली को देखना है कि ये अपसाइड की रैली कब तक यहाँ पे जल सकती है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस इस पर्टिकुलर जगह से वीकली चार्ट पे इस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे इस जगह से 17,800 से फिर उसके बाद 18,150 से दो बार प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यू टर्न लिया, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाया, यू टर्न लिया है। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हमारे लिए वीकली चार्ट पे यहाँ पे हो जाएंगे। पहला रेजिस्टेंस अब हमारे लिए जो होगा वो 17,800 होगा वीकली चार्ट पे, सेकंड रेजिस्टेंस हमारे लिए जो होगा वो होगा 18,130 का, क्योंकि प्राइस जहाँ से भी यूटर्न लेता है अपसाइड से तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर डाउन साइड से यूटर्न लेता है तो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसको चलिए और ज्यादा स्विच करते हैं टाइम फ्रेम को। देखिए एक मैं व्यू बना रहा हूँ, व्यू कहाँ से बन रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम से, कि यहाँ तीन कंटिन्यू ग्रीन रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक मोमेंटम हमें अपसाइड में मिलता है, एक व्यू बना। छोटे टाइम फ्रेम से हम अपने टारगेट्स निकाल लें कि वीकली टाइम फ्रेम अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है तो कहाँ कहाँ तक वो अपने टारगेट ले सकता है। एंट्री हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से बनाते हैं और व्यू हम ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम से लेते हैं, लेकिन एंट्री हम छोटे टाइम फ्रेम से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चार्ट को और ज्यादा छोटा करेंगे तब चीजें आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे चीजें यहाँ पे आपको एकदम बॉटम दिखेगा, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट आपको दिखेगी। मैंने आपको प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बताया था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे क्लियर एक बॉटम
फाइंड कर चुका है निफ्टी, यहाँ पे क्लियर एक बॉटम फाइंड हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बार प्राइस ऊपर सस्टेन किया था, यूटर्न लिया था, अब इस यूटर्न को ब्रेक करके यहाँ पे क्लियरली आपको डेली चार्ट पे एक डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसका अगर टारगेट भी निकालना चाहें तो इसका टारगेट भी इजीली हमें मिल जाएगा। कहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पे सेव किया हूँ तो उसी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे तो यहाँ पे इस चार्ट को आप देखने की कोशिश करिए, इस चार्ट को आप कोशिश करिए, यहाँ पे अपर साइड से ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन इस पूरे ट्रेंड को होल्ड की है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ने इसको होल्ड की, इसी ट्रेंड लाइन डाउन साइड की ट्रेंड लाइन से यहाँ पे थ्री ड्राइव पैटर्न भी था, इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक बाउंस मिला, बॉटम फाइंड हुआ, आउट हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब निफ्टी में हमारे लिए ऑलमोस्ट अगर 17,400 डेली चार्ट पे अब ब्रेक होता है, 17,400 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, 17,400 ब्रेक होता है तो हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 17,600 और जो फाइनल टारगेट हमारा निकल के आएगा वो निकल गया है 17,780। तीन टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, मैंने इस पूरी इंपल्स का कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये हाफ बाय पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया था जब ये कैंडल यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को नहीं मिला था, निफ्टी इसी रेंज में क्लोज था, तो मैंने ये पैटर्न आप लोगों को बहुत दिन से आप लोगों को ये पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में कहाँ तक मार्केट अभी डेली चार्ट पे जा सकती है। तो इस ब्रेकआउट होने के बाद 17,220 के ऊपर प्राइस मैंने बाइंग के लिए बताया था आपको, 17,220 ब्रेक होने के बाद टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया था कि पहला टारगेट हमारा जो हो जाएगा 17,400 का हो जाएगा, ये टारगेट ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हमें हमारा जो होगा वो होगा 17,600 डेली चार्ट पे, उसके बाद 17,780 का दो टारगेट अभी हमें अपर साइड में पेंडिंग है, वो मिल सकते हैं। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी है तो इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब डाउन साइड में हमारे लिए जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, प्राइस बार बार वहाँ से रिजेक्ट हो रही थी 17,200। ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, 17,200 हमारे लिए अब एक सपोर्ट बन चुका है डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आप एक व्यू ले सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 16,850 का है, लेकिन उसके पहले जो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस था, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम टू सपोर्ट, अगर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर वो जो है हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करने लगता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसको मैं और थोड़ा सा स्विच करता हूँ, देखिए किस तरीके से मैं मंथली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, हर जगह से एक बुलिश साइन, एक रिवर्सल साइन देखने को मिल रहा है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम से यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें सब कुछ पता चल गया कि हमारे लिए सपोर्ट क्या है डेली चार्ट पे, 17,200 और 17,400 रेजिस्टेंस है, 17,200 हमारे लिए एक सपोर्ट है। अब इसको हम और ज़्यादा स्विच करेंगे, इसको हम स्विच करते हैं आवर्ली चार्ट पे, तो और ज्यादा व्यू यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आवर्ली चार्ट पे इसको हम थोड़ा सा स्विच करते हैं तो चीजें आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आवर्ली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट आपको दिख रहा है, किसी भी यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को मैं मिनिमाइज करूँ तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। ये क्लियर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पल्स लगी हुई है, इस पूरी इम्पल्स को मैंने कैलकुलेट किया है हार्मोनिक के हाफ बाइट पैटर्न 0.58 के लेवल से, ये हार्मोनिक फिबोनाची नंबर है किसी भी इंपल्स को कैलकुलेट करने का। ऑलरेडी पूरा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ये चार्ट आप लोगों के साथ काफी दिनों से मैं शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। यहाँ पे पर्टिकुलर गैप अप के थ्रू ओपन हुआ, 30 मिनट की रेंज यहाँ पे सस्टेन हुई, सस्टेन होने के बाद एक क्लियर रैली हमें देखने को मिला। तो अभी हमें क्या दिख रहा है आवर्ली चार्ट पे, आवर्ली चार्ट और डेली चार्ट पे हमें 17,400 का एक क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला। 17,400 ब्रेक होने के बाद फिर हम 17,600 तक का टारगेट फिर देखेंगे, उसके बाद 17,780 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या, देखिए रेजिस्टेंस पे प्राइस दो ही चीज कर सकती है, या तो ये रेजिस्टेंस पे इसी फ्लो में ब्रेक कर दे, इसी फ्लो में इसको ब्रेक कर दे, या तो यहाँ पे एक पुल बैक ले, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके आवर्ली चार्ट पे अब इसका पुल बैक ले, 17,200 के पास प्राइस आए, तो इस तरीके से इसको आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए इंट्राडे प्लेयर को डाउन साइड अप साइड दोनों मूव के लिए तैयार रहना है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमें कैसे किस तरीके से रिएक्ट करना है उसको आपको समझना होगा। अब ये क्लियर मूव है, इसको स्ट्रेंथ अगर चाहिए, यहां से देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी दो दिनों में
दो दिनों में 950 से लेके जो हाई इसने लगाया है वो 17380 का लगाया है, तो 950 430 पॉइंट की मूव कर चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको अभी आप कभी दौड़ते नहीं हैं और सॉरी आप अगर आपको 2 किलोमीटर मैं दौड़ा दूँ और दौड़ाने के बाद फिर मैं कहूँ कि आप 2 किलोमीटर और दौड़ जाइए, तो उतनी स्ट्रेंथ आपके पास बचेगी नहीं। आपको अगर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो आप एक फिर से एक स्ट्रेंथ के साथ आप फिर 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी 430 पॉइंट की रैली हमें विद इन 2 डेज में मिल चुकी है, 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो हो क्या सकता है यहाँ पे एक पुल बैक ले ले 17200 पे, और उसके बाद अगर 17200 पे पुल बैक लेता है तब फिर अपसाइड में आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, या तो इसी फ्लो में ब्रेक कर दे और अपर साइड जाए फिर से इसको टेस्ट करे तब यहां से बाइंग बनेगी। देखिए यहां से आप बाइंग अगर करते हैं तो आप में भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मोमेंटम होने के बाद एक पुल बैक बन जाता है। अगर एक पुल बैक बनता है तो सबसे बेस्ट बाइंग बनेगी पोजिशनल बेसिस पे, जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं। तो आप अभी आपको लोग कोई पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेना भी चाहते हो तो आपकी परफेक्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 17150 से 17200 के बीच में जब प्राइस आएगा। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची कैलकुलेट करूँ, फिबोनाची नंबर भी लगाऊं, एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं अगर फिबोनाची टूल को लगाता हूँ और इसका इस पूरी इंपल्स का कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 17150 से लेके 17200 की एरिया, यहीं से हम यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग हमारी बन सकती है लॉन्ग साइड में। ध्यान से चीजों को समझिएगा, यहाँ से इस जगह से आप अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। बेस्ट बाइंग आपकी 17150 से 17200 में बनती है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, अगर परफेक्ट एंट्री के लिए एक आध दो ट्रेड आपके छूटते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई कि 17150 17200 अब हमारे लिए एक स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट है इस पर्टिकुलर निफ्टी स्क्रिप्ट में। अब 17400 हमारे लिए रेजिस्टेंस, अब इसको हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमें टाइम फ्रेम को और छोटा करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब चीजें आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने व्यू देखा कि मंथली चार्ट पे क्या व्यू है और डेली चार्ट पे क्या व्यू है। अब यहाँ पे हमें क्लियर पता है, हमें पता क्या है, यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि 17400 आवर्ली चार्ट पे रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस प्राइस किस तरीके से जा सकती है, या सॉरी रेजिस्टेंस प्राइस दो ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर सकती है, या तो प्राइस जाए और इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, या तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे जाती है और जाने के बाद फिर से एक लो लगता है फिर हाई रेजिस्टेंस को टच करता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक ना कर पाए। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो चीजें आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो मैं अभी कंडीशन भी बताऊंगा कब आपको क्वांटिटी कितनी कहाँ पे लेनी है। क्या हो कि प्राइस यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस गया इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसको टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद फिर से ये मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू करे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो कि प्राइस रेजिस्टेंस पे जाए और जाने के बाद फिर एक लो लगाए फिर से रेजिस्टेंस पे जाए और इस रेजिस्टेंस को दोबारा रिजेक्ट करके इस लो को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे आप सेल साइड का व्यू रख सकते हैं, सेल के लिए आप जा सकते हैं। इमीडिएट रिएक्शन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, देखिए ध्यान से चीजों को देखिए, विदाउट कंफर्मेशन आपको ट्रेड में इंटर नहीं करना है। पैसा कमाने से अच्छा पहले आप अपने कैपिटल पे फोकस करिए कि आपकी कैपिटल जो है बची रहे। दो कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने इस लेवल को मार किया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम यहां से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपकी क्वांटिटी यहां पे बहुत लेस होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, जो डाउन ट्रेंड था वो अब यहां पे चेंज हो चुका है, तो आपकी यहां पे क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट आप प्ले कर रहे हैं तो क्वांटिटी एकदम मिनिमम हो जानी चाहिए, ट्रेंड के साथ अगर अपसाइड में ट्रेंड मिलता है तो आप वहां पे हैवी क्वांटिटी रख सकते हैं। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए।
और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। अभी तो यहाँ पे गैप अप की का सिनारियो हमें यहाँ पे दिख रहा है जेक्स निफ्टी में, और मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए रैंडम बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए आपको जाना नहीं चाहिए। प्राइस एक्शन का वेट करिएगा, देखिएगा कि प्राइस एक्शन हाइयर हाई कंटिन्यू मारता चला जा रहा है, तभी आपको बाइंग साइड में जाना है। अदरवाइज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अगर लोअर लोज की फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकता है तो वहां से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 100-150 पॉइंट का अगर गैप अप मिलता है हमें, लेकिन 17,380 हमारा पहला टारगेट भी हो जाएगा, तो यहाँ से बाइंग भी हो सकती है। लेकिन क्या हो इन कंडीशन की यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाए, इस पर्टिकुलर जगह पे फ्लैट ओपन होने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करे डाउन साइड में, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा 17,330 को, तो आप यहां पे इसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको जो मिल जाएगा वो 17,300 मिलेगा, सेकेंड टारगेट आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 17,270 का। तो छोटे छोटे टारगेट आपको डाउन साइड में मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे लिए 17,200 17,150 सपोर्ट भी है, तो यहां से एक अच्छी बाइंग भी डाउन साइड से मिल सकती है। ये पूरी इंपल्स है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मिला तो वहां से शॉर्ट करूंगा, यहां से इसको शॉर्ट भी मिलता है तो टारगेट टू टारगेट यहां पे बुक करता आऊंगा। अगर यहां पे 17,200 पे प्राइस कुछ से मुझे कुछ रिवर्सल दिखता है तो फिर से मैं यहां पे इनिशिएट कर दूंगा अपनी पोजीशन को बाइंग में। तो इस तरीके से आपको यहां पे प्लान करना है। देखिए कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो आपको उस कंडीशन प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है तो आप वहां पे सेल साइड में जा सकते हैं। अगर लेकिन प्राइस अपने आप को एक रेंज में रखता है और रेंज में रखने के बाद हाइयर लेवल को निकालता है अपने रेंज के हाई को, तो आप फिर भी वहां से बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन प्राइस के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड में इस लेवल को निकाले 17,330 को, तो यहां से आप सेल करेंगे, लेकिन पोजीशन साइज बहुत मिनिमम होगी, बहुत लेस होगी, और यहां पे छोटे छोटे टारगेट आप बुक करते हुए चलेंगे। लेकिन आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड मिलता है पर्टिकुलर इस जगह पे 17,200 17,200 150 के पास अगर आपको कोई रिवर्सल दिखता है तो आप यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी के साथ मैक्सिमम के लिए जा सकते हैं। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को भी निकालता है 17,380 17,400 या 420 के लेवल पे सस्टेन कर जाता है, तब भी आप यहां से बाइंग के लिए जा सकते हैं। सेलिंग के लिए आपको एक ही लेवल है 17,330 के नीचे और फ्लैट ओपन होने के बाद, एक ही कंडीशन है। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तब भी आपको प्राइस का वेट ही करना चाहिए, एक रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड मिस किया है यहाँ पे मिस किया है वो वेट कर रहे हैं प्रॉपर पुल बैक का, तो उसी पुल बैक को हम लोग ट्रेड करेंगे और पुल बैक का ट्रेड करने के बाद हम अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे बाइंग साइड में अगर कोई इंडिकेशन मिलता है। तो इस एनालिसिस में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, तब वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, ना समझ में आया हो कोई पॉइंट, देखिए मैं चार्ट पे ही बिलीव करता हूँ। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सारी चीज़ें, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं यूज नहीं करता हूँ। मैंने चार्ट पे बहुत इफर्ट दिया है, चार्ट को रीड किया है, चार्ट को पढ़ना थोड़ा जानता हूँ मैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।